हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप सांतरा एंड आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिजाइन। तो आज दिखाएंगे एक वेबसाइट को एकदम स्टार्टिंग से कैसे फुल्ली कन्वर्ट करें वर्डप्रेस में। देखिए, ये है वेबसाइट। ये एक सिंपल सा वेबसाइट है, जस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। लास्ट दिन हम बोले थे एक वीडियो में एक फुल वेबसाइट हम दिखाएंगे कैसे एकदम स्टार्ट एचटीएमएल से कैसे वर्डप्रेस में कन्वर्ट करें, एकदम स्टार्टिंग से दिखाएंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो बहुत सारा दोस्त ने कमेंट किया था ऐसा वीडियो चाहिए जो एक वीडियो में सब कुछ हो जाए। तो प्लीज़ देखिए, ये एकदम पूरा एकदम जस्ट बेसिक वेबसाइट है, जैसे एक बेसिक नॉलेज के लिए। जस्ट एक हेडर है, ये बैनर है, स्लाइडर ऑटोमेटिकली स्लाइड होता है, ये जस्ट एक सर्विस सेक्शन बोल सकते हैं, देन फुटर, ओके। देन देखिए प्रोजेक्ट मेनू, प्रोजेक्ट पेज, देन सर्विस, ये सर्विसेज है, सर्विसेज सिंगल पेज है, इस सर्विसेज का डिटेल्स पेज लिंक किया हुआ नहीं है। देन अबाउट पेज, देन कॉन्टैक्ट पेज, देखिए एकदम बहुत अच्छा सा एक फ्री टेम्पलेट है, हम डाउनलोड किया है फ्री टेम्पलेट। आप ऑनलाइन से बहुत सारा ऐसा टेम्पलेट मिलता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फिर से बोल रहा हूँ, मेरा चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहा है, व्यूज़ लाइक तो हो रहा है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है। प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट कीजिए, तो हम सॉल्व कर देंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा HTML है, ठीक है। तो ये एकदम डाउनलोड किया हुआ थीम है, हम कुछ चेंजेस नहीं किया। तो ये मेरा HTML है, जस्ट हम क्या करेंगे, पहले HTML को टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लिया। तो हम हेडर एंड फुटर को जस्ट पहले अलग करेंगे। ये अभी क्या है, HTML एक्सटेंशन है। देखिए ये फाइल हम ओपन कर रहे हैं, ये है फाइल, अभी क्या है HTML में है, ठीक है। तो HTML को हमको PHP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। HTML एक्सटेंशन को PHP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम हेडर एंड फुटर को अलग कर लेंगे। तो ये इंडेक्स पेज, इसका हेडर फुटर लेंगे। ऑल टाइम हम इंडेक्स पेज का हेडर एंड फुटर लेंगे क्योंकि वो है मेन पेज, उसका हेडर एंड फुटर परफेक्ट होता है ऑल टाइम, ठीक है। तो उसका हेडर एंड फुटर हम अलग करेंगे। अब दूसरा कोई पेज का भी ले सकते हैं लेकिन इंडेक्स पेज का लेना ही अच्छा होगा। तो ये हम हेडर को काट कर लिया एंड न्यू टैब पेस्ट एंड सेव एज हेडर डॉट PHP सेव हेडर डॉट PHP हेडर डॉट PHP हमने सेव कर लिया, ठीक है। तो मेरा सेव हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं अभी तो मेरा कोई इंडेक्स पेज नहीं, मतलब सर्विस का डिटेल्स पेज नहीं है। तो हम जस्ट सर्विस का ये पेज हम डिलीट कर दे रहे हैं, जो ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन मुझे नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन हम सर्विस का डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि सर्विस का कोई डिटेल्स पेज नहीं है, जस्ट नॉर्मल है। तो इसका ड्रॉप डाउन हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन डिलीट कर दिया, अब देखते हैं, ठीक है हो गया। तो ड्रॉप डाउन हमने डिलीट कर दिया सर्विस का। तो ये है हेडर कंप्लीट। अभी जाएंगे फुटर को, फुटर को लेंगे, फुटर कितना तक, हाँ यहाँ से फुटर कट न्यू टैब पेस्ट एंड सेव एज फुटर डॉट PHP। footer.php ओके, डन। तो हेडर एंड फुटर मेरा अलग हो गया। अभी क्या करेंगे, मेरा एक कोड है जो हम आपको आपसे शेयर कर देंगे, उस कोड को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक फाइल बना के रखे हैं जहाँ पे जितना भी वर्डप्रेस का कोड मुझे चाहिए सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो हमने क्या करेंगे, ये जो हेडर देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड हेडर, तो मुझे हेडर को ऐड करना है। तो इस फाइल में हमको अभी ऐड हेडर को ऐड करना है, ये होम टेम्पलेट। इसको हम क्या करेंगे, टेम्पलेट बना लेंगे, होम इंडेक्स पेज को एक होम टेम्पलेट जैसे बना लेंगे, ठीक है। होम टेम्पलेट के लिए सेव किया है, टेम्पलेट नेम होम एंड डिस्प्ले ओनली होम टेम्पलेट, ये होम टेम्पलेट में ही ओनली डिस्प्ले करेगा। एंड इसको हम जस्ट चेंज कर देंगे, दो नाम को हम चेंज कर देंगे। नाम क्या देंगे, जस्ट हम हेडर से कॉपी कर लेते हैं, इसका जो टाइटल है भीम बोल के है, ऐसा कुछ हमको नहीं पता, तो इसको ही हम दे देते हैं, ठीक है। स्मॉल में कर देते हैं। एंड फुटर यहाँ पे देखिए, फुटर टैग है, गेट फुटर, इसको कॉपी कर लिया। एंड फुटर में इसको दे देंगे फुटर, सॉरी हाँ, और इसको सेव करेंगे, सेव एज फुटर डॉट पी एच पी, ये होम डॉट पी एच पी, होम टेम्पलेट, सेव एज होम डॉट पी एच पी। तो मेरा ये होम टेम्पलेट हो गया, सॉरी ये मेरा होम टेम्पलेट हो गया। तो इसको हम होम टेम्पलेट में क्या किया, हेडर को ऐड कर दिया। तो ऐसे करके हम अबाउट पे करेंगे, अबाउट पे जो होम टेम्पलेट जैसा अबाउट में भी करेंगे, अबाउट पे हेडर ऐड करेंगे, इस तक हेडर ऐड करेंगे, जस्ट चेंज कर देंगे अबाउट। अबाउट एंड फुटर में भी ऐड कर देंगे। मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर, मेरा बहुत सारा दोस्त मुझसे मैसेज करता है कि सर आपका वीडियो देख के मुझे नौकरी मिल गया है, तब बहुत अच्छा लगता है, बहुत हैप्पी फील होता है। तो ऐसा ऐसे कमेंट कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये अबाउट देखिए, अबाउट को हम ऐसे सेव करेंगे, अबाउट डॉट पी एच पी, अबाउट डॉट पी एच पी। ओके, तो ये अबाउट भी हो गया मेरा। देन कॉन्टैक्ट, तो इसको इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे, देन जाएंगे कॉन्टैक्ट को, कॉन्टैक्ट में हेडर को भी ऐसे पेस्ट, देन चेंज कर देंगे जस्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड फुटर को भी देंगे यहाँ से, फुटर को देके देन सेव एज फुटर, ए कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी, कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी, इसमें फुटर को ऐड किया। हाँ देन आ गया होम, कॉन्टैक्ट हो गया, देन सर्विसेस, सर्विसेस को भी हम ऐसे कर लेंगे। कहाँ गया मेरा, सर्विसेज में भी कर लेंगे, हेडर को ऐड कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है ये, सर्विसेज को फुटर ऐड कर दे रहे हैं, हेडर तो ऐड कर दिया, अभी फुटर को ऐड कर देंगे। अभी सेव एस डॉट पी एच पी, सर्विसेस डॉट पी एच पी। ओके देन मेरा वर्क जस्ट लास्ट है, वर्क इसको भी ऐसे कर लेंगे। नाम चेंज कर दिया वर्क, एंड फुटर को ऐड कर लेंगे इसमें यहाँ से फुटर, देन सेव एज वर्क डॉट पी एच पी। तो मेरा एचटीएमएल से अभी क्या हुआ, एचटीएमएल से वर्डप्रेस में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन अभी भी सेटअप के लिए बहुत काम बाकी है, ठीक है। सेटअप अभी सेटअप के लिए बहुत कम बाकी है, तो हमने क्या करेंगे, अभी एचटीएमएल जो फाइल है हम डिलीट कर देंगे, अभी कोई एचटीएमएल फाइल मुझे नहीं चाहिए, फुल एचटीएमएल फाइल हम डिलीट कर देंगे।
अभी क्या करेंगे, ये तो मेरा जस्ट HTML से वर्डप्रेस में आ गया, अभी जो लिंक करना है ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो इमेजेस, ये जस्ट HTML लिंक फैल करा हुआ है, इसको हमको डायनेमिकली वर्डप्रेस का लिंक करना है। तो हम अभी लिंक नहीं करेंगे, पहले हम वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर लिंक नहीं करते तो क्या होता है। तो हम गूगल से वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेंगे, गूगल में वर्डप्रेस लिखेंगे, वर्डप्रेस एक डाउनलोड कर लेंगे। ये वर्डप्रेस का साइट है ठीक है, डाउनलोड वर्डप्रेस 5.6 वर्शन। तो ये मेरा वर्डप्रेस डाउनलोड हो रहा है। देखिए हमको एक वर्डप्रेस चलाने के लिए एक सर्वर चाहिए, जो हम ऑनलाइन सर्वर यूज़ कर सकते हैं या ऑफलाइन सर्वर कर सकते हैं। तो सर्वर सबके पास नहीं है, तो आप जैम यूज़ कर सकते हैं। ये जैम आप गूगल पे सर्च करेंगे, जैम सर्वर डाउनलोड अगर आप लिखेंगे तो देखिए ये आपका आ जाएगा, जैम बोल के सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं ठीक है। ये आपका ऑफलाइन सर्वर है, तो हम मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हम कर लेंगे ओपन। ये देखिए जैम, इसको ओपन कर लेंगे। इसको जो अपाची एंड MySQL ये दोनों को स्टार्ट कर लेंगे, जस्ट यहाँ से स्टार्ट बटन कर देंगे, स्टार्ट हो गया, देन क्लोज। अभी क्या करना है, मेरा ये डाउनलोड अभी भी नहीं हुआ है, तो हम जाएंगे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट देन PHP माई एडमिन, PHP माई एडमिन। तो हम जब तक डाउनलोड हो नहीं जाता तो हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे ठीक है। तो डेटाबेस का नाम क्या देंगे, BEAM यही नाम देंगे। तो न्यू डेटाबेस, न्यू यहाँ पे लिखेंगे BEAM देन क्रिएट। तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके ये देखिए ये वाला मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, तो ये मेरा डाउनलोड भी हो गया है यहाँ पे। तो वर्डप्रेस को हम यहाँ से कट कर लेंगे, जाएंगे सी ड्राइव देन जैम देन HTDocs। एक HTDocs के अंदर हम यहाँ इसको पेस्ट करेंगे वर्डप्रेस को। तो ये मेरा 5.3 एक वर्डप्रेस का फाइल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी ये वर्डप्रेस को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है, हाँ ये वर्डप्रेस का फाइल मेरे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। तो हम ये नाम जस्ट रीनेम कर देंगे, जो हमने डेटाबेस में क्रिएट किया है उस नाम से दे देंगे। डेटाबेस नाम का कॉपी किया हूँ एंड HTDocs फोल्डर के अंदर जो वर्डप्रेस हम एक्सट्रैक्ट किया इसको हम चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर दिया। देन अभी जाएंगे कहाँ गया, सॉरी ये वाला सेकेंड वाला, देन उसके अंदर कंटेंट देन थीम्स। तो देखिए यहाँ पे हमका एक दो तीन, ये तीन थीम मुझे नहीं चाहिए, डामी ये डिफॉल्ट दे देता है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो क्या होगा, फाइल थोड़ा हल्का हो सकता है, आप रख भी सकते हैं या डिलीट कर सकते हो, आपका मर्जी। तो हम होम पेज में जाएंगे, होम पेज में जाके इसको हम कॉपी कर लेंगे, इस फाइल को कॉपी कर लेंगे एंड इस थीम के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ठीक है। तो ये थीम का नाम एंड ये जो HTDocs का जो पहला थीम है उसका नाम सेम रहना चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे अभी हो गया, लेकिन और भी मुझे थोड़ा फाइल चाहिए, और भी थोड़ा फाइल हम दूसरा कोई प्रोजेक्ट से ले लेंगे, ये फाइल हम आपको शेयर कर देंगे, क्या का फाइल हम यूज़ कर रहे हैं ये आपको ऑनलाइन शेयर कर देंगे ठीक है। तो हम और दो तीन फाइल मुझे चाहिए, तो हम दूसरा कोई प्रोजेक्ट से ले रहे हैं। देखिए INC बोल के फाइल चाहिए, फंक्शन डॉट PHP एक फाइल चाहिए, देन इंडेक्स फाइल लेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंडेक्स फाइल को हम क्या किए थे, होम पे कन्वर्ट कर लिए थे, वहाँ पे इंडेक्स नहीं है, तो इंडेक्स लेंगे। देन ऑप्शन डॉट PHP लेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट तो लेंगे वो जैसे हम रिप्लेस कर देंगे बाद में। देन स्टाइल एंड WP बूटस्ट्रैप नैब वर्ल्ड कार्ड, ये सात फाइल हम लेंगे ठीक है।
इस साथ फाइल कॉपी कर लिया, देन मेरा ये प्रोजेक्ट कंटेंट थीम, देन यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिया। अभी क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे मेरा टेक्स्ट एडिटर पे एंड डेस्कटॉप वाला डिलीट कर दिए। अभी इसको हम एडिट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान एक चीज़ है, बहुत आसान तरीका से, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। हम वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया, थोड़ा फाइल हम दूसरे प्रोजेक्ट से कॉपी कर लिया, वो फाइल आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, वो फाइल आपको प्रोवाइड करा देंगे, लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए। ये जो स्क्रीनशॉट है ये दूसरा एक प्रोजेक्ट का जस्ट स्क्रीनशॉट है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। अभी देखिए ये दूसरा प्रोजेक्ट का रिप्लेस कर देंगे स्क्रीनशॉट है। तो मेरा ये है मेरा वेबसाइट अभी, तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक तो ले लिए, देन जाएंगे पेंट पे, पेंट पे पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा स्क्रीनशॉट है, तो अभी इसको हम सेव करेंगे वहाँ पे जहाँ पे स्क्रीनशॉट हमने कॉपी करके रखा है, ठीक है। देन सी ड्राइव, जैम, एचटी डॉक्स, देन बीम, कंटेंट, थीम्स, देन ब्रीम, देन एजे, इसको जस्ट हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस हो गया। तो ये मेरा काम हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम फाइल लिए है, वो जो फाइल लिए है वो देखिए नाम उस प्रोजेक्ट का फाइल है, हम जस्ट नाम को चेंज कर देंगे, ठीक है। जो यहाँ पे हम नाम दिए थे बी ई ए एम, नाम जो दिए थे, जस्ट जितना भी फाइल लिए सब में वो नाम चेंज कर देंगे। सबसे पहले स्टाइल डॉट सी एस एस में नाम चेंज करेंगे, कंट्रोल डी सिलेक्ट एंड सेव। उसके बाद चेंज करेंगे हम इंडेक्स पे, इंडेक्स यहाँ पे भी देखिए इंडेक्स में कुछ नहीं है, जस्ट हेड एंड फुटर ऐड किया हुआ है एंड जस्ट ये इसको हम चेंज कर देंगे, सेव। देन हम जाएंगे ऑप्शन डॉट पी एच पी, ऑप्शन में भी ऐसी है, देन जस्ट एक को सिलेक्ट एंड कंट्रोल डी, सेव। देन ऑप्शन, देन बी सेव, ओके। तो ये मेरा हो गया, अभी सब नाम चेंज कर दिया जितना भी था। तो अभी क्या करेंगे, हम वर्डप्रेस को चलाएंगे, ठीक है। तो हम जस्ट जाएंगे लोकल होस्ट, जेन जो मेरा फाइल का नाम है बी ई ए एम, देखिए लोकल होस्ट के अंदर ये जो फाइल का नाम है बी ई ए आर एम, सॉरी आर एम ना, सॉरी बी ई ए एम है, बी ई ए एम। तो इसको हम चलाएंगे, इंटर, ओके। अभी वर्डप्रेस कंटिन्यू, लेट्स गो। देन वो डेटाबेस नेम देंगे, सेम टू सेम मेरा डेटाबेस नेम है बी ई ए एम। तो अभी क्या है, मेरा यूजर नेम मेरे पास नहीं है, तो हम जस्ट देंगे रूट, रूट एंड पासवर्ड मेरे पास नहीं है तो देंगे ब्लैंक, कोई पासवर्ड नहीं देंगे अभी। देन सबमिट, देन रन। तो ये हो गया मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। तो साइट टाइटल जस्ट ऐसे ही दे देंगे, आप बाद में चेंज भी कर सकते। अभी यूजर नेम हम ऐसे ही दे दिया, देन पासवर्ड भी हम जस्ट दे रहे, यूजर नेम दे दिया, देन 123 वेरी लिख रहा है, वीक है, तो हम कॉन्फर्म दिस वीक पासवर्ड हम कॉन्फर्म कर दे। ईमेल आईडी, मेरा ईमेल आईडी दे दिया, देन इंस्टॉल, ओके। तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया, देन सेव। तो अभी लॉगिन करेंगे, देखिए ये मेरा यूजर नेम है एंड ये पासवर्ड है जो हमने दिया है, बाद में चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये मेरा डैशबोर्ड है। अभी अगर व्यूज विजिट साइट करेंगे तो देखिए एरर आ रहा है, क्योंकि जो डिफॉल्ट थीम होता है उन्होंने तो डिलीट कर दिया। यहाँ पे जो 20 जो थीम होता है, जो डिफॉल्ट थीम देता है, तो डिलीट कर दे। तो हम जाएंगे थीम्स में, तो यहाँ पे देखिए ये दो सब
डिफॉल्ट, ये डिम डिफॉल्ट रहता है, ये तो हमने डिलीट कर दिया, बाकी दो तो रहता है वो भी डिलीट कर दिया, तो हमको इसको एक्टिव करेंगे। अभी एक्टिव करिया, अभी देखिए यहाँ पे अगर चलाएंगे तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है PHP लाइन 86 में, तो हम सॉरी होम डॉट पी एच पी में फुटर को ऐड नहीं किया, नहीं फुटर तो ऐड किया है, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दिया, जो पी एच पी टैग ओपन था। अभी देखिए हो गया, तो अभी देखिए कैसा आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जस्ट HTML को PHP में कॉन्वर्ट किया, लेकिन ये जो इमेज टैग है एंड CSS एंड JS का लिंक है उसको हम प्रॉपरली लिंक नहीं किया, ठीक है, ये जो लिंक है इसको हमको लिंक करना पड़ेगा, CSS एंड JS को एंड इमेजेस को लिंक करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रॉपर आएगा, ठीक है। तो हम चलो स्टार्ट कर लेते लिंक करना, तो लिंक के लिए मेरे पास एक कोड है, जस्ट इस कोड को कॉपी करेंगे एंड सब जितना भी लिंक किया हुआ है इमेज से लेके जेएस, सबसे पहले हम इसको ऐड कर देंगे। देखिए इमेज को हम कॉपी किया, सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल डी, देन इससे पहले हम ले दिया। अभी देखिए कोई भी होम पेज में कोई भी इमेज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अभी अगर रिफ्रेश करेंगे तो इमेज आ जाएगा, रिफ्रेश कर दिया, देखिए इमेज आ गया, ठीक है इमेजेस आ गया, फिर भी स्टाइल शीट ऐड नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो अभी हेडर में जाएंगे, ये मेरा CSS को कॉपी किया, ए सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल डी एंड उससे पहले ऐड। अभी देखिए डिज़ाइन थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, देखिए डिज़ाइन थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, हाँ क्योंकि मैंने CSS को ऐड कर दिया, तो फैब आइकॉन ऊपर है, फैब आइकॉन को भी कर लेते हैं, जो जो ऐड एक्सटर्नल मुझे ऐड करना है सब में हम ये फाइल दे देंगे, जेस को भी दे देंगे, लोगो मेरा लोगो कहाँ है, लोगो पे दे देंगे, लोगो तो जस्ट एक नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, इमेज नहीं है तो नहीं चाहिए। तो अब जाएंगे फुटर में, फुटर फुटर हाँ फुटर में जाएंगे, फुटर में कुछ है इमेज वगैरह नहीं है, ठीक है, तो अभी जेस को ऐड कर देंगे, सब जेस सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, देन पहले सेव, जेज ऐड हो गया, जेन जब अबाउट पेज ऐसे करके सब पेज में हम जस्ट इमेजेस सिलेक्ट करके उससे पहले ये कोड बैठा देंगे। देखिए सॉरी एक ही इमेज है इसमें, फुटर हो गया मेरा, फंक्शन नहीं चाहिए, फंक्शन हो गया, हेडर हो गया, होम हो गया, इंडेक्स में नहीं है कुछ, ऑप्शन हो गया, सर्विसेज अभी सर्विसेज बाकी है, तो ये सर्विसेज सर्विसेज वर्क वर्क हो गया, तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। ओके तो मेरा अभी अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सब पेज मेरा कंप्लीट हो गया, कि लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज में नहीं जाएगा, देखिए ऐसा दिखाएगा, क्योंकि मेरा तो अभी मेनू तो सेट नहीं किया, मेनू डायनामिक नहीं है, तो मेनू पहले हमको डायनामिक करना पड़ेगा, तो उससे पहले और एक चीज़ करना पड़ेगा, मेनू से पहले मुझे एडमिन में पेज ऐड करना है, 1 2 3 4 5 पेज ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे पेजेस, देखिए हम जाएंगे पेजेस, देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट दो तो थीम रहता है, ठीक है, तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट रहता है ये तो हम ऐड न्यू करेंगे, ऐड न्यू, पहले हम बनाएंगे होम, होम यहाँ पे देखिए राइट साइड में पेज एट्रीब्यूट, तो यहाँ से हम डिफॉल्ट टेम्पलेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे होम, तो होम टेम्पलेट हमने जो बनाया था, देखिए ये जो होम पे होम टेम्पलेट बनाया था, यहाँ पे जो टेम्पलेट नेम होम,
इसलिए शो रहा है यहाँ पे होम टेम्पलेट। तो ये मेरा होम टेम्पलेट एक्ट हो गया। देन दूसरा है अबाउट अस, ऐसा करके सब पेज हम ऐड कर लेंगे। अबाउट को सिलेक्ट कर लिया, होम अबाउट सॉरी, देन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, देन वर्क एंड सर्विस, वर्क कॉन्टैक्ट, मेरा सर इंटरनेट चला गया, सॉरी इंटरनेट चला गया, लोडिंग, इसमें इंटरनेट नहीं लगता लेकिन थोड़ा सा लोड होने में प्रॉब्लम होता है। तो कॉन्टैक्ट होम हो गया, देन वर्क, वर्क और एक तो बाकी है सर्विसेज। ओके सर्विसेज अभी ऐड कर लेंगे सर्विस पेज को। तो मेरा सब पेज मेरा ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे आगे रिफ्रेश करेंगे तो मेरा सब पेज कंप्लीट हो गया। अभी करेंगे मेनू को डायनामिक, इस मेनू को डायनामिक करेंगे। तो हम जो ड्रॉप डाउन का ड्रॉप डाउन रिमूव कर दिया, फिर ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा है तो ड्रॉप डाउन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास सर्विस डिटेल्स पेज नहीं है। तो जस्ट हम हेडर में जाएंगे, ये हेडर एंड ये है मेनू, ठीक है। इस मेनू को हम करेंगे डायनामिक। तो मेरे पास एक मेनू कोड है, इस कोड को कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट एंड यहाँ पे क्लास एंड आईडी को हम दे देंगे। ये जो क्लास है क्लास को यहाँ पे दे देंगे एंड जो आईडी है आईडी को कंटेनर आईडी, आईडी अभी अगर देखते हैं हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। अभी आईडी मुझे चाहिए कि नहीं पहले देखेंगे, उसके बाद अगर आईडी चाहिए तो आईडी देंगे। पहले हम क्लास से काम चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेव, यहाँ पे देखिए मुझे क्लास से ही काम हो गया, आईडी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे काम नहीं होता तो हम सॉरी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, ये डिज़ाइन थोड़ा घट गया क्यों, ओ सॉरी। हाँ यहाँ पे जो होम पेज में जो इमेज था, इमेज का लिंक हमने ठीक सही से नहीं किया, शायद कोई गड़बड़ हुआ है। ये जो इमेज का लिंक थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है कुछ लगता है। हाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है। स्पेस आ गया, देखते एक बार। स्पेस आ गया था लास्ट में भी, एक स्पेस है। स्पेस आ गया था इसलिए इमेज शो नहीं कर रहे। तो देखिए ये मेनू मेरा आ गया। तो अभी यहाँ पे ओनली आ रहा है ऐड मेनू, तो हमको मेनू ऐड करना है। तो अपियरेंस में जाएंगे, बैकएंड है डैशबोर्ड अपियरेंस, दिस यहाँ पे देखिए मेनू ऑप्शन है। मेनू पे जाएंगे, हमको एक मेनू क्रिएट करना है। यहाँ पे हेडर मेनू बोल के क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक प्राइमरी एंड हेडर मेनू, तीन तो हमने सिलेक्ट कर दिया एंड क्रिएट मेनू कर दिया, ठीक है। ये आपके पास ये लास्ट दो तो नहीं हो, ऐसे भी हो सकते हैं। बस पहला वाला और सेकेंड वाला प्राइमरी मेनू और ऑटोमेटिक मेनू ये रहेगा आपके पास, ये दो तो आप सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए ये हम मेरा पेजेस है, इस पेज को हम सिलेक्ट कर दिए ऐड मेनू एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके होम को पहले देंगे, देन अबाउट देंगे, देन सर्विसेज, देन वर्क, देन कॉन्टैक्ट, देन सेव। अभी देखिए रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरा मेनू सिलेक्ट हो गया, मेनू मेरा हो गया, ठीक है।
तो देखते एक बार ड्रॉप डाउन कैसे करते हैं। देखिए जस्ट इसको हम ऐसे एक को जस्ट थोड़ा सा हटा के देंगे तो हो गया सब आइटम। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन आ जाएगा, देखिए कितना अच्छी तरह से ड्रॉप डाउन आ गया। तो मुझको नहीं चाहिए ड्रॉप डाउन, हम जस्ट इसको जस्ट ऐसे कर देंगे, सेम कर देंगे, सेव देन रिफ्रेश। देखिए कितना आसान तरीके से आप एक वर्डप्रेस में ड्रॉप डाउन मेनू भी बना सकते हैं एंड मेनू को डायनामिक कर सकते हैं। तो मेरा मेनू है अभी डायनामिक हो गया। अब अगर हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा अबाउट पेज, सर्विस में क्लिक करेंगे ये मेरा सर्विस पेज, वर्क पे क्लिक करेंगे वर्क पेज नहीं शोर हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, देन कॉन्टैक्ट पेज, वर्क पेज में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो हम देखेंगे वर्क को क्या हुआ है, पेजेस वर्क हाँ देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट पेज, यहाँ पे पेज हमने वर्क में शो सिलेक्ट नहीं किए थे, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वर्क आ जाएगा, देन वर्क हाँ देखिए वर्क पेज। लेकिन जब भी होम पेज में रहेगा तो यहाँ पे एक होम आ रहा है, लोकलोस्ट ब्रीम होम बोल के पेज का नाम आ रहा है, तो हम चाहिए जब होम पे रहेगा वो होम बोल के कुछ नहीं आए, तो जस्ट हम जाएंगे डैशबोर्ड पे सेटिंग्स, देन जाएंगे रीडिंग, यहाँ पे देखिए योर लेटेस्ट पेज बोल के जस्ट ये स्टैटिक पेज कर देंगे, देन होम पेज कर देंगे सिलेक्ट, ठीक है सारवी सेव। यहाँ पे होम पेज जो होगा वही हम सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली होम पे ही आ जाएगा, इसके लिए कोई होम बोल के ऐसे कुछ नहीं आएगा, जस्ट रूट आ जाएगा होम पे, ठीक है। तो ये मेरा एकदम सेटअप हो गया वर्डप्रेस में। कितना मिनट होगा था, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। तो प्लीज प्लीज मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, बहुत आसान तरीके से दिखा रहा हूँ आपको, बहुत इजी तरीका से बहुत कुछ। तो ये वीडियो देख के जॉब भी कर रहा है, मुझे मैसेज किया है, मुझे मैसेज भेजता है सर हमने जॉब कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज प्लीज ऐसे सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए ये मेरा होम पेज हेडर को हो गया, तो आप क्या करेंगे ये बैनर को हम करेंगे, ठीक है बैनर को ये करेंगे, क्या करेंगे डायनामिक करेंगे। तो होम पेज में बैनर कहाँ कितना तक है, बैनर तीन टो बैनर है, यहाँ पे तीन टो बैनर है, तो हमको तीन टो नहीं चाहिए, हमको जस्ट एक बैनर चाहिए। तो हम पहला ये एक है एलआई, यहाँ से यहाँ तक इसको रखेंगे, दूसरा को डिलीट कर देंगे एंड तीसरा भी डिलीट कर देंगे, जस्ट एक को रखेंगे, उसको हम लूप कराएंगे, लूप से कराएंगे दो तीन चार जितना भी हो। देखिए ये एक बैनर है अभी, तो मेरे पास स्लाइडर का फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो हम फंक्शन में जाएंगे यहाँ पे देखिए ऑलरेडी स्लाइडर बोल के फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमको अभी फंक्शन नहीं चाहिए लिखना के, तो हम जस्ट पोस्ट का जो कोड होता है ये है पोस्ट टाइप का कोड, कॉपी ठीक है पोस्ट नेम यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, ये फंक्शन से लेके ये स्लाइडर कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट एंड पोस्ट पर पेज सिक्स इसको हम डिलीट कर देंगे, बाद में इसको दिखाएंगे क्या होता है, उसको हम जस्ट डिलीट कर देंगे। स्लाइडर को हम दे दिया सेव एंड इसका जो एंड कर देंगे एंड ऑयल से सेव। अभी क्या करेंगे, ये जो टाइटल है एंड इमेज को डायनामिक करना है, तो जस्ट इमेज डायनामिक कोड है ये वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है डायनामिक इमेज लिंक, तो ये इमेज में हम डाल देंगे यहाँ से यहाँ तक, इमेज का डायनामिक लिंक डाल दिया, देन कंटेंट को डालेंगे, टाइटल को नहीं डालेंगे क्योंकि ये टाइटल से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है
तो ये मेरा हो गया। ये व्यू डिटेल्स में हम जस्ट कॉन्टैक्ट पेज का क्लिक कर देंगे या दूसरा कोई पेज का लिंक दे देंगे, ये बटन में बाद में दे देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हम इस कॉन्टैक्ट को हम एक जस्ट कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अगर जो रिफ्रेश करेंगे तो चला जाएगा। कॉन्टैक्ट को कॉपी कर लिया, अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए मेरा बैनर नहीं है अभी यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे एक स्लाइडर बोल के एक फंक्शन है, इसको क्लिक किया, एड न्यू, देन स्लाइडर, हम जस्ट ऐसे ही नाम दे रहे हैं स्लाइडर वन। देन वहाँ पे जो नाम हमने टेक्स्ट जो हमने कॉपी किए थे हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं कंटेंट पे, एंड यहाँ पे इमेज हम अपलोड कर रहे हैं यहाँ से। तो हम जाएंगे फोल्डर में, तो ये मेरा फोल्डर है, देन इमेजेस, देन स्लाइडर, हाँ स्लाइडर वन, ये देखिए स्लाइडर वन को हम सिलेक्ट कर लिया, देन सेव एंड पब्लिश, देन अपडेट एंड पब्लिश, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, देन एड न्यू, स्लाइडर टू पब्लिश, देन स्लाइडर, दो नंबर स्लाइडर को हम ऐड कर रहे हैं, स्लाइडर टू, देन इमेजेस, देन पब्लिश, देन देखिए स्लाइडर, दो नंबर स्लाइडर भी ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप 4-5-6 स्लाइडर आप ऐड कर सकते हैं। मेरा ये स्लाइडर भी कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या बाकी है, मेरा अबाउट पेज बाकी है, ठीक है, सर्विस पेज बाकी है, एंड वर्क एंड कॉन्टैक्ट। एक वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी मेरा 45 मिनट हो गया ऑलरेडी। तो एक वीडियो हम पूरा कंप्लीट करना चाहेंगे तो बहुत 2 घंटे के आसपास हो जाएगा, तो आप लोग बोर फील करेंगे। तो चलिए कुछ बात नहीं है, आज इस वीडियो में इतना तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा और एक नेक्स्ट वीडियो में और एक पार्ट हम कराएंगे, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं अभी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।